Good morning from Traveling Bees with Namse, day 3 of our trip. आज का दिन बहुत स्पेशल है, आज हमारी एनिवर्सरी है और आज का दिन हम बिताने वाले हैं क्रूज में. वी आर गोइंग टू स्पेंड दिस डे इन क्रूज. हाँ, तो हम हनोई से निकल गए हैं, एक बस में हैं हम और अच्छा अच्छा व्यू देखते हुए बाहर हम जा रहे हैं कैथबा और हलोंग बे. और एनिवर्सरी है तो आज का दिन स्पेशल भी होना था, तो इसलिए हमने अपने आइटनरी में हलोंग बे ऐड किया और क्रूज ऐड किया. इन्होंने 15 मिनट का ब्रेक दिया हमारे को, टी कॉफी ब्रेक. ये इनका ढाबा जैसे हमारे होते हैं ना ढाबे हाईवेज में, ये इनका ढाबा है. रेस्ट स्टेशन है. यस, थोड़ा जिनको वॉशरूम यूज करना है या थोड़ा सा कुछ रिफ्रेशमेंट चाहिए उसके लिए. 15 मिनट का ब्रेक दिया हमने, कुछ नहीं लिया. हमारे को कोकोनट कॉफ़ी चाहिए था, जो हमने होने में ट्राई किया था, बहुत अच्छा लगा था कोकोनट कॉफ़ी. ये हमें मिला नहीं एंड वी आर गुड. यहाँ पे ऐसी लैंग्वेजेज, यहाँ पे किसी को इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी. थोड़ा ट्रांसलेटर यूज़ करके दिखाना पड़ता है, कोकोनट कॉफ़ी समझ नहीं आ रहा था इनको. हमारी बस इसके ऊपर जा रही है और ऐसे हम करेंगे क्रॉस और हम हमारे शिप तक जाएंगे. वाओ, हमारी फेरी चल पड़ी. इतनी बड़ी फेरी है, इसमें इतने सारे बसेस, इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने सारे पैसेंजर्स, सब क्रॉस करेंगे. हम पहुंच गए हार्बर में और यहाँ से हम बोट का वेट कर रहे हैं, अपनी शिप का. सॉरी, आई थिंक 12 बजे का टाइम है. अब हम फेरी में बैठ गए हैं और यहाँ से हम अपने क्रूज की तरफ जा रहे हैं. ये फ्लोटिंग विलेज है, पानी के अंदर ही इन्होंने अपना घर बसाया हुआ है. ये है हमारी क्रूज जिसमें अभी हम जाने वाले हैं. सो दे आर हियर टू वेलकम अस. हेलो, हम आ गए हैं लंच करने. सो लंच में अभी एपेटाइजर का टाइम चल रहा है. ये सूप दिया हमारे को, वेजिटेबल विद सम एग्स ऑन इट. दिस इज फिश फ्राई, दिस इज श्रिम्प्स, दिस इज प्रॉन, दिस इज सम वेजीज, ये ऑक्टोपस. बहुत सारा लंच दिया इन्होंने, अगेन वेजीज, पॉर्क, स्टीमी राइस, बहुत टाइप के थे. लास्ट में मैंने डेजर्ट दिया दो पीसेस ड्रैगन फ्रूट के और दो पीसेस हमारे वाटरमेलन के. एंड दिस इज आवर गाइड बेटो, ही इज बेटो. यस, सो ही इज गोइंग टू गाइड अस कि क्या क्या हम आज करने वाले हैं. लंच करके हम लोग हमारे रूम में आ गए हैं और इतना मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये क्रूज़ का. रूम में आराम से बैठे बैठे बाहर का पूरा बे जो है, बे का जो व्यू है वो हम इंजॉय कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू डू सम एक्टिविटीज़. व्हाट एक्टिविटीज़? सो वी विल डू कायाकिंग, स्विमिंग.
मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कैकिंग करने का, पता नहीं यार कैसा होगा, देखते हैं। और ये कहीं लेकर जाएंगे हमें, फीवर के लिए एक्साइट है। हम अभी कैकिंग करने आए हैं यहाँ पे, ये हमारी बोट खड़ी है यहाँ पे और ये पूरा ग्रुप है आगे कैकिंग कर रहा है। तो सौम्य आगे बैठा है और सौम्य ने मुझे बोला तुम वीडियो बनाओ। हेलो ध्यान से भाई, हेलो हाय बाद में, पहले जान बचाओ। अभी हम वहाँ पे जाएंगे इस केव के अंदर, इसके नीचे से। हे बे, yay, hey bae, how are you feeling in Halong Bay? You have to come Halong Bay with your bae, then only you'll be able to enjoy this bay. Dhyan se hamara accident na ho jaye iske sath, water accident. Hum hamare group ke logo ke sath थे और अब पता नहीं वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं, हम गुम हो चुके हैं। अरे लड़े बेर बेर बेर, आइलैंड आइलैंड बैंड के लड़े कहाँ चला गया था, तू कहाँ चला गया था, वे आर यू गॉन, वे आर मिसिंग दैट साइड। कायाकिंग के बाद हम लोगों ने यहाँ पे छोटा सा आइलैंड था, यहाँ पे हम लोगों ने स्विमिंग की हमारी कायाक है, ये देखो हम लोगों ने यहाँ पे स्विमिंग करी, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींचे एंड आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए हैं, वीडियो बना रहा हूँ, वी आर ऑल फन। अभी हम वापस जाएंगे, ये हमारा बोट है। वापस आ गए, 10-15 मिनट का टाइम मिला है हमें रेडी होने के लिए। स्विमिंग वुमिंग होने के बाद, सारा कुछ एक्टिविटीज के बाद ये ऊपर हम आए डेक पे, यहाँ पे स्नैक्स और पार्टी हो रही है, सनसेट पार्टी बोलते हैं ये, पार्टी हो रही है, पावड़ी करेंगे हम, पावड़ी कुछ स्नैक्स वगैरह है अब वो खाएंगे। बहुत ही अच्छा एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ आज हमारा, सुबह सुबह कैकिंग किया हमने, कैकिंग में खो गए थे, खो गए मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, हमने जो प्लानिंग की हमने सोचा भी नहीं था, बट खोने वाला भी एक बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा था कि हम लोग अपने हिसाब से चले गए और स्ट्रगल करके फिर वापस, लेकिन हमने किया सब कुछ, हमें लगा पार्टी होगी बहुत नॉइज होगा बट शांत पार्टी हो रही है बिल्कुल। नाउ वी आर टेकिंग वीडियो, यू वांट टू कम, ये या इतनी यार सिंपल सा, कुछ पाइनएप्पल्स है, ड्रैगन फ्रूट्स है, ये शायद मैंगो है, ये स्नैक्स दिए हैं, खाएंगे उसके बाद देखते हैं। यहाँ डिनर भी जल्दी हो जाता है 7 बजे, पहले ये खाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। ये स्प्रिंग रोल मेकिंग का होगा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, कुकिंग क्लासेस टाइप है, स्प्रिंग रोल बनाना सिखाएंगे। डिनर टाइम हो गया है और इन्होंने हमें कुछ चीज़ें सर्व की है, उसमें से है ये चिकन विंग्स है और फ्रेंच फ्राइज सैलड और आई थिंक रोस्टेड बारबेक्यू, बारबेक्यू किया हुआ है ना, यस मैं शायद बॉईल करते होंगे उसको या फिर बॉईल करके इसमें डाल देते होंगे, समथिंग लाइक दैट। इसके अंदर स्टफिंग है प्याज की, प्याज और सारी
तान्या फिशिंग करने आई है। Alcohol drink. So they used to drink this, and they offered me, and I am going to try this. Now, ये पी के देखने वाला हूँ कैसा है? No, drink my now. This is very strong. Very strong. Yeah, I mean, it's very strong. मैंने fish पकड़ ली, देखो. फाइनली मैंने फिश पकड़ी है। अब तो हमें आईवान ये पकड़ी है इसने। यहाँ के फिश बहुत क्लेवर है, तुमको पता है मछलियों को डिस्टर्ब करने में, लेकिन ये तो पकड़ी नहीं गई। फिर अब हम सो जाते हैं, क्योंकि 7 से थोड़ा पहले उठना है, क्योंकि 7 o'clock हमारा ब्रेकफास्ट है, तो अभी हम सो जाते हैं जाकर। गुड नाइट, बाय बाय।